गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एक्सप्लेन फर्स्ट चैप्टर माय बॉडी ऑफ थर्ड ग्रेड. ओके, अभी आज हम लोग अपनी बॉडी के बारे में देखेंगे. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक एट योर बॉडी. मिरर के सामने खड़े होके आप अपनी बॉडी को देखो. अवर बॉडी इज अमेजिंग. कितनी अमेजिंग दिखती है. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स दैट आर वर्किंग ऑल द टाइम टू कीप्स अस अलाइव. यानी कि हमारी बॉडी एनी टाइम वर्क करती रहती है हम लोगों को जीने के लिए. दीज बॉडी पार्ट्स लेट अस टू ए लॉट ऑफ थिंग्स सच एज थिंकिंग, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, ब्रीथिंग एंड वॉकिंग. हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं. और हम कौन से थिंकिंग यानी कि सोचना, सीइंग मीन्स देखना, हियरिंग मीन्स सुनना, टचिंग मीन्स टच करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना एंड वॉकिंग यानी कि चलना. लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एंड वॉट दे डू. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स कौन से हैं और वो कैसे वर्क करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी विच कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. एंड दोज विच कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स. और ऐसे पार्ट जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते और ना टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स. जो हमारे बॉडी के इनर साइड में होते हैं यानी कि अंदर के साइड में होते हैं. ओके, तुम लोग इस पिक्चर में देख सकते हो इस बॉय के हम लोग एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि हेड, नेक, आर्म्स, देन चेस्ट, टोर्सो, देन एब्डोमेन. ओके, लेग्स, उसके हैंड्स, फिंगर्स, आईज, हम लोग ये सब देख सकते हैं क्योंकि ये सब क्या है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है. ओके, द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग द टोर्सो, चेस्ट एंड एब्डोमेन. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी कि जिसको टोर्सो बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर में टू पार्ट्स आते हैं, चेस्ट एंड एब्डोमेन. द अदर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स सच एज अ हेड, नेक, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट. ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. टू द टोर्सो यू विल लर्न अबाउट यूअर इंटरनल बॉडी पार्ट्स एट द हायर क्लास. हम लोग हमारे बॉडी के जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है वो हम लोग हायर क्लास में देखेंगे. फिलहाल हम लोग पहले हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है उसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड. द हेड इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी अबव द नेक. हमारे नेक के ऊपर के साइड में आता है हेड. इट हैज़ द सेंस ऑर्गन्स. उसमें कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग. ये फोर सेंस ऑर्गन्स हमारे नेक एंड हेड के बीच में होते हैं. ओके, इट ऑल्सो हैज़ द ब्रेन यानी कि उसमें ब्रेन भी होता है. हेड और नेक के बीच में फोर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर, नोज एंड टंग. और ब्रेन जो है ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स में आता है. द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, लर्न, क्रिएट एंड फील हैप्पी और सैड. ब्रेन की वजह से हम लोग सोचते हैं, लर्न करते हैं, जो रिमेंबर करते हैं, क्रिएट एंड फील करते हैं, कभी हैप्पी तो कभी सैड. ओके, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स पे कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन. ओके, नाउ नेक्स्ट नेक. अवर नेक जॉइंस अवर हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अपनी जो नेक होती है, गर्दन जिसको बोलते हैं, वो हमारे बॉडी का जो आधा पार्ट होता है, आधा हिस्सा, उससे क्या होती है, जॉइंट होती है. इट हेल्प्स अवर हेड टू मूव अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट. हम लोग अपनी नेक को, गर्दन को घुमा सकते हैं अपवर्ड, ऊपर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. अगर हम लोगों को आगे देखना हो, पीछे देखना हो, तो हम लोग सिर्फ अपनी गर्दन घुमा के भी देख सकते हैं. द मूवमेंट ऑफ द नेक हेल्प अस टू सी थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. हम लोग अपनी नेक की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट हो रही है वो देख सकते हैं. अगर हमारी गर्दन काम नहीं करती, अगर हम लोग गर्दन को नहीं घुमा सकते, तो हम लोगों को अगर पीछे देखना हो तो हम लोगों को पूरी बॉडी टर्न करना पड़ता. बट नेक की वजह से हम लोग विदाउट बॉडी टर्न किए भी हम लोग पीछे देख सकते हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट चेस्ट एंड एब्डोमेन. अवर चेस्ट एंड एब्डोमेन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अवर टोर्सो. ये चेस्ट एंड एब्डोमेन ये टोर्सो का पार्ट है. ओके,
Important organs such as the lungs and the heart are located inside our chest. हमारे chest के अंदर में कौन से two important part है? Lungs and heart. ओके अवर रिब केज प्रोटेक्ट दे रिब केज उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किसे लंग्स और हार्ट्स को द सॉफ्ट पार्ट बिलो अवर रिब केज इज द एब्डोमेन एब्डोमेन किसको बोलेंगे जो हमारे रिब केज के नीचे का जो सॉफ्ट पार्ट आता है उसको बोलते हैं द एब्डोमेन कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द लीवर स्टमक एंड द इंटेस्टाइन एब्डोमेन में क्या क्या आता है लीवर आता है स्टमक आता है ये सब पार्ट एब्डोमेन में आता है जो सॉफ्ट होता है देन नेक्स्ट लिम्स लिम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स लिम्स जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड है अपर एंड लोअर अवर आर्म्स फ्रॉम द अपर लिम्स एंड अवर लेग्स आर द लोअर लिम्स अपने जो हैंड्स होते हैं जो आर्म्स होते हैं देखो इसमें दिया है ये रहा पूरा हैंड्स जो ये ऊपर का साइड होता है शोल्डर के बाद का वो होता है अपर आर्म्स देन ये एल्बो के नीचे का जो पार्ट्स होता है वो होता है फोर आर्म्स देन प्लाम किसको बोलते हैं प्लाम ये बीच का पार्ट जो होता है हमारे फिंगर्स के नीचे देन ये थंब और ये फिंगर्स ओके अपर आर्म्स मीन्स ये एल्बो के ऊपर का पार्ट फोर आर्म्स मीन्स एल्बो के नीचे का पार्ट्स ओके अभी देखते हैं स्पेशली आर्म्स और लोअर लिम्स मीन्स क्या होता है लेग्स जो लेग्स के पार्ट होता है वो होता है लोअर लिम्स आर्म्स आर्म्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स सच एज द अपर आर्म्स द एल्बो द फोर आर्म्स द प्लाम द थंब एंड अदर फिंगर्स ओके आर्म्स में कितने कितने पार्ट्स है देखो एल्बो अपर आर्म्स फोर आर्म्स देन थंब प्लाम एंड फिंगर्स पार्ट्स ऑफ एंड आर्म्स ओके अवर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड लिफ्ट टच और पॉइंट एट थिंग्स अपने जो हैंड्स का यूज़ हम लोग किसके किसके लिए करते हैं कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए कोई भी चीज़ को पकड़ के हम लोग पकड़ के रखते हैं छोड़ देते हैं टच करते हैं देन अगर हम लोगों को कुछ काम करना है खाना हो ये सारे काम के लिए हम लोग अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं वी यूज़ अवर हैंड्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज जैसे ईटिंग राइटिंग पेंटिंग वॉशिंग बाथिंग प्लेइंग वेविंग एंड क्लैपिंग ये सारी चीज़ें हम लोग विदाउट हैंड्स नहीं कर सकते अगर हम लोगों को खाना हो तो हम लोगों को हैंड्स की ज़रूरत होती है राइटिंग अगर लिखना हो तो भी हैंड्स की ज़रूरत होती है पेंटिंग कर सकते हैं हम लोग वॉशिंग कर सकते हैं बाथिंग करने के लिए हैंड्स की ज़रूरत होती है प्लेइंग खेलने के लिए भी चाहिए वेविंग मीन्स अगर कुछ सिलाना हो तो उसके लिए होती है क्लैपिंग मीन्स क्लैप करना हो तो भी हम लोगों को हैंड्स की ज़रूरत होती है ये सारी एक्टिविटी हम लोग हैंड्स के थ्रू करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट लेग्स वी यूज अवर लेग्स एंड फीट टू स्टैंड एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर हम लोग अपने लेग्स का यूज किसके लिए करते हैं अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम लोग विदाउट लेग्स मूव नहीं हो सकते ओके वी यूज देम फॉर एक्टिविटीज लाइक हम लोग और अदर एक्टिविटीज के लिए लेग्स का यूज करते हैं वॉकिंग मीन्स चलने के लिए रनिंग मीन्स दौड़ने के लिए डांसिंग मीन्स डांस करने के लिए जंपिंग अगर हम लोगों को जंप करना हो एंड और प्लेइंग फुटबॉल और स्पेशली अगर फुटबॉल खेलना हो तो हम लोगों को लेग्स की ज़रूरत होती है यानी कि लेग्स के थ्रू हम लोग वॉकिंग रनिंग डांसिंग जंपिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल ये सब कर सकते हैं ओके ये सब यूजेस है लेग्स के वी कैन ऑल्सो यूज़ अवर लिम्स फॉर डिफरेंट एक्सरसाइज हम लोग अपने लिम्स का यूज़ भी अलग अलग एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं हैव यू हियर्ड समवन से कैन यू स्ट्रेच लाइक अ कैट कैट की तरह कभी स्ट्रेच किया है और कैन यू सिट लाइक अ फ्रॉग फ्रॉग की तरह कभी बैठ के देखा है यूज़ यूअर लिम्स एंड ट्राई आउट दिस एक्सरसाइज फॉर रिलैक्सेशन एंड बॉडी अवेयरनेस यानी कि हमारे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए फ्री करने के लिए हम लोगों को कभी कभी एक्सरसाइज भी करना पड़ता है कभी कभी नहीं हम लोगों को तो डेली मॉर्निंग में करना चाहिए उससे क्या होती है हमारी जो बॉडी होती है वो फ्री हो जाती है रिलैक्स हो जाती है और हम लोग बहुत ही फ्रेश फील करते हैं ओके उसमें से फर्स्ट वन देखो फ्लाई लाइक अ बर्ड बर्ड की तरह फ्लाई करते हैं ऐसे उसकी देखो बॉडी की जो है वो मूवमेंट है ना
देखो, लेट योर आर्म्स हैंग लूज बाय योर साइड, लीन फॉरवर्ड एंड स्लोली लिफ्ट अप योर आर्म्स बिहाइंड यू एज हाई एज पॉसिबल, होल्ड द पोजिशन फॉर सम टाइम्स देन रिलैक्स इन अ स्टैंडिंग पोजिशन। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, उस तरीके से तुम लोगों को एक लेग्स आगे लेना है और एक लेग्स को पीछे रखना है। जो पीछे लेफ्ट लेग्स होगा उसको स्ट्रेट रखो बिल्कुल, और जो आगे होगा उसको बेंड करो। ओके, बेंड करके उसको दोनों हैंड पीछे करके उसको आगे की तरफ और खींचो ऐसे। ओके, यहाँ पे जो लड़की जैसे कर रही है ऐसे तुम लोगों को घर पे ट्राई करना है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील करेगी। ओके, ये जो था हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वन था। ओके, हम लोग पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।